Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So this video is DMart haul. Actually, मैं धनतेरस वाले दिन DMart गई थी and वो मेरी गलती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था उस दिन, बहुत ज़्यादा रश था और मैं फर्स्ट टाइम DMart गई थी तो मैंने सोचा था कि चलो इसका एक व्लॉग भी शूट कर लेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया और मैं रात के टाइम और गई थी, मतलब 7 or 8 के अराउंड, तो वहाँ पर और ज़्यादा रश हो गया था और मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी. एंड सेकंड थिंग, मुझे ये वो वहाँ की एक चीज़ और पसंद नहीं आई कि मुझे फरीदाबाद वाले ब्रांच में ना सामान उतने अच्छे नहीं मिले जितने मुझे मोस्टली अदर ब्रांचेस में दिखे हैं. मतलब मैंने वीडियोस में देखा है, मैं ऑब्वियसली मैंने विजिट नहीं किया है, तो अब मैं जो नेक्स्ट टाइम है ना वो किसी और ब्रांच में जाके शूट करूँगी, आई थिंक सो, लाइक या तो दिल्ली या फिर नोएडा. बट दिवाली थी तो मैंने कुछ बाय किया है तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ. मुझे बताना आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे. तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है ना वो है ये ड्रायर. ये मैंने डीमार्ट का जो सेल्फ ब्रांड उनका है, आई थिंक डी होम्स के अंडर जो वो बनाते हैं, ये वाला ड्रायर है और ये 599 का था. एंड इसमें 3 सेटिंग्स हैं, एक कोल्ड है, एक नॉर्मल है एंड एक हॉट है, और तीनों में ही लो, मीडियम और हाई स्पीड का है. मतलब ये डिटैचेबल है, यहाँ से ये हट जाता है, ऐसे लॉक हो जाता है फॉर स्टाइलिंग एंड ऑल. एंड इसकी स्पीड भी मुझे काफ़ी सही लगी, 2100 वॉट का है तो पावर भी अच्छी है. लाइक इसकी कॉर्ड वगैरह भी काफ़ी लंबी है, मतलब एक बहुत लंबी है. वैसे तो मैं ड्रायर्स इतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट विंटर्स में कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंटली मतलब चाहिए होता है, तो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ गुड. और 599 के अकॉर्डिंग मुझे तो काफ़ी सही लगा, बिकॉज अगर आप किसी और ब्रांड का देखोगे तो उसमें 599 में आई थिंक 599, 600 और 700 का तो शायद छोटा वाला आता है. आउट ऑफ 10 मुझे ये 9.5 लगा, बिकॉज मुझे इससे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज प्राइस भी इसका उतना कुछ ज़्यादा नहीं था. 599 ठीक प्राइस है, मुझे अच्छा लगा प्राइस वगैरह के हिसाब से. ये इसमें 2 या 3 टाइप्स के थे, एक 599 वाला था, एक 699 वाला था और शायद 799 वाला भी था, बट उन दोनों में और इसमें कोई फ़र्क नहीं था, सेम ही पीस थे, बाहर बस प्राइस का टैग जो था वो अलग अलग था, तो मैंने 599 वाला ही लिया ऑब्वियसली, क्योंकि जब सेम है तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देने भाई. सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना वो ये जार्स का सेट है. ये ऐसे ऐसे चार मतलब आए थे, मतलब चार हैं, ये दो और ये मैं गिरा ना दूँ, तीसरा मैं गिरा दूंगी, पक्का गिरा दूंगी. मैं ना वीडियो डाल दूंगी, वो देख लेना. ऐसे ना मतलब चार जार का सेट आया है और मतलब ये कुछ मतलब देखोगे ना आप तो यहाँ से साइड से ये फ्लैट है और सामने से राउंड है एंड एक साइड पे ये ग्रिप के लिए दिया हुआ है, तो क्वालिटी इसकी एंड अच्छी है. और इसका जो ये कैप है वो भी स्टर्डी है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है ख़राब क्वालिटी का, सही है, क्वालिटी अच्छी है इसकी. अगर आपके काउंटर पे या कहीं पे आपने रखा है तो बहुत स्टाइलिश लगता है, तो मैंने ले लिया है. बिकॉज इसका प्राइस आई थिंक 119 था, 119 रुपये, तो इसका स्टॉक इतना सारा पड़ा था ना, मतलब लाइक सीरियसली इतना सारा स्टॉक था वहाँ पे कि सब इसको ज़रूर पिक कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि क्यूट था और प्राइस भी बहुत रीजनेबल सा था, 119 इज़ ओके. सो गाइज, इसके बाद ना जो मैंने प्रोडक्ट लिया था वो एक टॉवल लिया था. जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब हाँ फुल साइज़ है, और इसका कलर जो है वो ऑफ वाइट या क्रीमिश, मतलब बहुत लाइट सा कलर है, मतलब वाइट, तो आप देख लो पीछे वाइट है और ये वाइट नहीं है, ये डिफरेंस है इसका. तो मतलब इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे अभी ट्रैवल वेवल करना था तो बाहर जाने के लिए काफ़ी अच्छा है ये. इसका प्राइस 399 था, प्राइस ठीक है, एवरेज है, अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, इतना इसका पता नहीं है, तो मुझे 399 में मुझे ठीक ठीक लगा तो मैंने ले लिया, मुझे टॉवल वगैरह का पता नहीं है. यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी थी. अभी विंटर्स मतलब विंटर्स के मैं कपड़े, मैंने सोचा था कुछ मैं कपड़े ट्राई करूँ, बट कपड़े ना मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे सीरियसली. वहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा था आई थिंक 100 रुपीज़ का टॉप वगैरह स्टार्ट था, बट मुझे वहाँ पर एक भी अच्छा नहीं लगा. और ना मतलब ऐसा नहीं 100 रुपीज़ वाला, तो मुझे अच्छी जो प्राइस रेंज होती है 500-600 या इससे ऊपर के टॉप में भी ना वो लुक नहीं आ रही थी. मतलब उससे बेटर आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, आप अमेजोन ही खोल लो, आपको बहुत सारी वेबसाइट अच्छी मिल जाएंगी, बट मुझे वहाँ पर कपड़ों का मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी. आई डोंट नो, मतलब मेरा टेस्ट नहीं होगा वो, हो सकता है, बट मुझे क्लोथिंग वहाँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. मैंने ये दो बोल लिए हैं जो 55 ईच के हैं, और मैंने इसमें रेड कलर एंड ये ब्लूइश सा कलर लिया था, और इसमें एक कलर और अवेलेबल था, दैट इज़ आई थिंक ऑरेंज कलर. मैंने ग्लास
एक जो पानी वाला ग्लास होता है ना वो सोच रही थी लेने का, क्योंकि मेरे को ये होम एंड किचन का करना था हॉल, तो बट वहाँ पे ना ग्लास का जो ब्रांड था वो अच्छे नहीं थे, तो मतलब अच्छे मतलब क्वालिटी मुझे नॉर्मल लगी थी, और जो कुछ एक अच्छे ब्रांड थे ना उनका प्राइस बहुत हाई था। मतलब मुझे लग रहा है कि मीशो पे या आप अमेजोन पे देखोगे जो आपको 400-500 की ग्लासेस का सेट मिल जाएगा, सेट ऑफ सिक्स, वो वहाँ पर मुझे लगता है नहीं नहीं फिर भी 800-900 के आसपास का था। उसके बाद मैंने जो लिए हैं वो है रक्स या डोरमैट्स जो भी बोल लो। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ दिखाती हूँ। सबसे सस्ता और टिकाऊ है ये वाला। अब आप बोलोगे तो मतलब उतना सही नहीं लग रहा, बट मैं सच्ची बताऊँ ना मुझे सबसे बेस्ट यही लगा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसकी लेंथ भी अच्छी है, देखो मेरे ऑलमोस्ट हैंड जितनी है इतना है। और इसका प्राइस और पीछे से ना ये ऐसा वाला मटेरियल है जो हार्ड वाला होता है, एंड आगे से ये थोड़ा सा वैसा वाला है, रुए रुए टाइप वाला। और स्टार्टिंग में इसके थोड़े से रुए भी निकले थे, मतलब कपड़ा इसका थोड़ा निकला था। सॉरी, इसका प्राइस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज था। मैंने 150 वाला भी लिया रख, बट स्टिल मुझे इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी है, बिकॉज ये फैंसी नहीं है, बट हाँ ये बहुत अच्छा पर्पज़ सॉल्व करती है। इसको मैंने ना मतलब पहले मैंने इसको सोचा था कि गेट के मेन गेट पे सोचती हूँ रख दूँ, क्योंकि बहुत गंद है ना वो अंदर आता था, बट फिर मुझे ना थोड़े टाइम बाद ये लगा कि यार इसको ना बाथरूम के आगे रख देती हूँ। बाथरूम के बाहर से जब आते हो तो आपके पैर बहुत गीले होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है पानी को, इसकी जो ये रुए हैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल। तो 49 के हिसाब से मुझे ना सबसे बेस्ट परचेज लगा है कि 49 में इतना अच्छा, वाह मजा आ गया। बस नेक्स्ट जो है ना वो ये वाला रग है या डोरमैट है, ठीक है। इसका साइज तो अच्छा है, बट इसका एक बेनिफिट ये मुझे सबसे ज्यादा लगा कि ये एंटी स्लिपरी है। मेरी 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 जुबान स्लिप हो रही है, ये एंटी स्लिपरी है, बिकॉज आप इसको जहाँ रख दोगे ना ये वहाँ पर मतलब चिपक जाता है, और उसके बाद आप ना कोशिश भी करते हो ना यार यार 1 इंच पीछे हो गया थोड़ा आगे करना, तो पैर से खिसका के आप औरों को उसको कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते, आपको झुक के ही करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं। तो इसका जो प्राइस है ना वो 149 है, इसकी MRP 175 थी, बट सेल में आई थिंक इनका जो प्राइस वाला रूम होता है ना 149 है इनका इसका प्राइस। एंड इसकी स्लिपरी बहुत अच्छी है, ये स्लिप बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब आई हैव अ डॉग, तो वो मतलब उसको तो बाथरूम के आ गया तो वो बच जाता है, लेकिन जो मेन डोर वाला है ना वो तो पूरे दिन आगे पीछे होता रहता है, बिकॉज वो 100 चक्कर काटता है दिन के। बट ये मैंने डाल रखा है किचन से मेन कमरे में, बट ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता, ये वैसे का वैसे ही पीछा रहता है। तो अगर आपको भी आपके घर में बच्चे या डॉग या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपके जो डोरमैट्स है ना वो भग जाते हैं घर छोड़ के, तो ये वाला ले सकते हो आप, ये काफ़ी एंटी स्लिपरी है, अच्छी है क्वालिटी 149 में। और ये मतलब आगे थोड़ा सा ना माइक्रोफाइबर टाइप ऑफ है, बट ये माइक्रोफाइबर टोटली नहीं है, थोड़ा पता नहीं यार रुए रुए टाइप के हैं, देख लो कैसा है, ठीक है। 149 रुपीज दिए, वो सिर्फ 49 का है, तो मतलब देख लो 100 रुपए का फर्क है, बट मुझे फिर भी अभी 49 वाला ही अच्छा लग रहा है भाई, आप जो मर्जी ले लो मुझे 49 वाला ही अच्छा लग रहा है। एक और डोरमेट लिया है मैंने, वो उसकी फोटो मैं डाल दूंगी, और इसको तो मेरे चूहों ने भी काट दिया, पता नहीं यार मेरे घर में कितने चूहे आ गए हैं यार, कहाँ से समझ ही नहीं आता यार। और मतलब पता नहीं, मैं रात और दिन में नहीं काटते, जब मैं सो जा मतलब हम लोग सो जाते हैं ना उसके बाद आते हैं ये, ओके। बट इसकी क्वालिटी ठीक ठीक है, सोसो है, मतलब ये थोड़ा सा स्लिप हो जाता। प्राइस 99 रुपीज था, मुझे याद नहीं है ढंग से, पर मैं मेंशन कर दूंगी। बट इसके साथ वही सेम प्रॉब्लम है, मेरा डॉग जो है ना वो बार बार महाराज आते हैं और जाते हैं, और इसको भी साथ में अपने घुमाते रहते हैं, तो ये बहुत इधर उधर हो जाता है। अगर में ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप रख सकते हो। इसके बाद जो मैंने सबसे बड़ा परचेज किया है वो है ये बैग। ये एक बैग है, ये एक्चुअल में ट्रैवल बैग है, नॉर्मल बैग है, एक कंपार्टमेंट बड़ी वाली है, साइड में एक छोटी वाली है, उस साइड भी छोटी वाली है, इधर एक और छोटी वाली है जो टूथब्रश वगैरह के लिए होती है। ये हैंडल्स हैं, मुझे ये वाली इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, वहाँ बहुत सारे ब्रांड वाले भी थे, बट कुछ जो ब्रांडेड थे ना वो उनकी क्वालिटी इतनी घटिया थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो कॉपी बेच रहे हैं, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कॉपी है, क्योंकि स्टर्डी नहीं थे वो बिल्कुल, मतलब उससे अच्छी क्वालिटी मुझे ये कुछ पता नहीं क्या रफ एंड टफ करके ब्रांड है, इसको मैंने इतना सुना नहीं है, बट स्टिल इसकी क्वालिटी जो है ना वो मतलब अलग ही लेवल पे है, और उनकी क्वालिटीज जो थी ना वो मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो प्राइस था वो 1599 है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो,
And if you like this video, do follow me on Instagram and do subscribe my YouTube channel. Like this video and watch this video. My best videos on YouTube. So please go and visit that. And thank you so much for our 100 subscribers in just 2 months. So I'm very thankful to all of you guys. So thank you so much for subscribing me and keep subscribing me and liking me. I'll come with more such vlogs, hauls and videos. And let me know what type of video you want on my channel, because this is my fresh start. So whatever you guys you want, I love to serve you. So please let me know what kind of videos you guys want from me. Amazon ka haul aane wala hai, clothing haul hai, to definitely aapko acha lagega. Uske baad makeup hauls bhi aane wale hain bahut sare. Main naye naye products try kar rahi hu, to I hope you guys like it. Thank you so much once again. See you.